में नहीं है तो हम कुछ ना कुछ लॉस लेकर अपने पैसों कहीं और डालेंगे, वहां लॉस होगा वहां से कहीं और निकालेंगे, बाद में 100 रुपए के 2 रुपए बचेंगे और 2 रुपए की फिर टॉफी भी नहीं आएगी। और मेरे घर वाले इंतजार कर रहे हैं काम कब होगा, काम कब होगा, काम कब होगा। और आपको पता है कि काम होने में तो समय लगता है। न्यूज़ तो मैंने पहले दे दी, आएगा ये आपको थोड़ा रुलाएगा, फिर आपको तब करोड़पति बनाएगा जब आपके बच्चे 5 साल के हैं तो वो 15-20 साल के हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करते हैं IRFC की और बात करेंगे टाटा स्टील, JSW और सेल की। सर इनकी बात करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जिस तरीके से IRFC को मैंने कहा था कि ये आपको जल्दी में करोड़पति नहीं बनाएगा, ये आपको थोड़ा रुलाएगा, फिर आपको तब करोड़पति बनाएगा जब आपके बच्चे 5 साल के हैं तो वो 15-20 साल के हो जाएंगे, तब जाकर ये आपको कुछ पैसा कमाकर दिखाने की तलाश देगा। ये होगा ऐसी है क्योंकि सर ये जिस तरीके से फिर 40 में जाएगा ये फिर घूम के वापस आएगा, फिर आपका दिल टूटेगा, फिर आप इसके अंदर से निकलोगे। मैंने कहा था कि इस शेयर को डिविडेंड के माध्यम से और जिस तरीके से रूपरेखा रेलवे की अब बदलती जा रही है, मान लो मेरे घर में काम होने वाला है, मैंने कहा कि मेरे घर में काम होएगा भाई, मैं अच्छा सा इसको करने वाला हूँ कुछ दिनों के लिए, मेरे घर वाले जो है कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, जब ये घर बन जाएगा तब इसके अंदर आएंगे, मैं काम करवाने वाला हूँ। और मेरे घर वाले इंतजार कर रहे हैं काम कब होगा, काम कब होगा, काम कब होगा। और आपको पता है कि काम होने में तो समय लगता है। न्यूज़ तो मैंने पहले दे दी अपने घर वालों को कि मैं बहुत अच्छा बना रहा हूँ अपने घर को, स्विमिंग पूल भी बनाऊंगा, ये भी बनाऊंगा, वो खुश हो रहे हैं, लेकिन पापा कर तो कुछ नहीं रहे, हो क्या रहा है ये। तो इसी तरीके से अगर रेलवे में कुछ विकास होंगे, कई हजारों करोड़ों की जो सौगात सरकार से मिलेगी, पटरियां नई से नई बिछेगी, तो कल बिछेगी क्या? इन्होंने खुद ही कहा 25 सालों के लिए होने वाला ये काम, आधुनिकीकरण होगा रेलवे का, एकदम तो होने का नहीं, चुटकी बजाय आधुनिकीकरण हो गया, पैसा लगता, पैसा जाएगा, फिर पैसा रिटर्न में कब आएगा, कितनी फाइलें होती हैं इन चीज़ों में। तो ये सारी रूपरेखा मैंने आपके लिए बनाई थी। IRFC एक ऐसा शेयर है जो वित्तीय बाजारों से पैसा लेकर रेलवे को देता, फिर रेलवे से पैसा वापस आएगा काम करने के बाद। तो आपको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि एक बहुत अच्छा शेयर है ये, लेकिन इसकी मंशा शेयर प्राइस बढ़ने की नहीं होती है। लोग आपको बताते रहे कि लॉटरी लगती गई और आप खरीद रहे जा रहे हो जी 29 में 30 में 32 में, फिर अपना प्रॉफिट भी नहीं देख रहे हो, फिर भागा जा रहा है शेयर, फिर वहाँ से गिरता हुआ नीचे, और जिन्होंने टॉप में खरीदा होगा वो अपने को ठगासा महसूस कर रहे हो। बिल्कुल भी ठगासा महसूस ना करो, ये शेयर ही इतना अच्छा है कि अगर जहाँ आपने ले लिया वहीं बैठ जाओ बस, फिर देखो मत। मैंने कहा ना कि कुछ ऐसे पैसा हमारे पास होना चाहिए जहाँ हम खरीद लें उसको हमें देखने की जरूरत ना पड़े, वही आपको प्रॉफिट देगा। और जिसकी जरूरत आपके पैसों की है या अपने अंदर कंट्रोल हमें नहीं है तो हम कुछ ना कुछ लॉस लेकर अपने पैसों कहीं और डालेंगे, वहाँ लॉस होगा वहाँ से कहीं और निकालेंगे, बाद में 100 रुपये के 2 रुपये बचेंगे और 2 रुपये की फिर टॉफी भी नहीं आएगी। तो ये चीज़ ऐसी है शेयर मार्केट की, हाँ मन तो ललचाएगा, जो शेयर आपको आज 2000 का प्रॉफिट दिखा रहा है कल वो आपको 500 का प्रॉफिट दिखाएगा, ये चीज़ होंगी इसके अंदर। जो आज आपको 1000 का लॉस दिखा रहा है बाद में वो 10000 का आपको प्रॉफिट दिखाएगा, ये सारी चीज़ मार्केट में होगी। इसमें कंट्रोल करना पड़ेगा अपने अंदर, और IRFC को बिल्कुल भी बेकार समझने की कोशिश ना करें। अगर सरकार ने हमारे जो रेलवे मंत्री हैं उनके जो आदेश हैं, उनके जो अभिलाषा है कि रेलवे में ज़्यादा पैसा लगेगा, ज़्यादा आधुनिकीकरण होगा, तो उन्होंने कह दिया ना होगा वो बाद में होगा, और उसके लिए फिर रूपरेखा बनेगी। उस न्यूज़ ने काम किया है कि अगर मैंने कहा अपने घर वालों को मैं अपने घर में कुछ अच्छा कर रहा हूँ, उस न्यूज़ ने उनको खुश किया है और उस खुशी से उन्होंने बल्ले बल्ले भी करी है, लेकिन अब फिर बैठे यार ये काम तो नहीं हो रहा मेरे घर वाले। तो इसी तरीके से रेलवे में अगर कुछ भी चीज़ें होगी, 1 लाख पटरी बिछेंगे जी, विद्युतीकरण होगा, इसमें उन शेयरों को कलेक्ट कीजिए कि जिससे उसका वास्ता होता है, ये नहीं कि इसलिए कलेक्ट कर रहे जी आज खरीदा कल बढ़ेगा जी इस न्यूज़ से, बिल्कुल भी नहीं होने का ये काम। तो एक ऐसी चैनल बना दिया मैंने आपके लिए ये वाला, ये आपके ये परते खोल देगा दिमाग की, और जिस दिन आपने अपने परते दिमाग की खोली तो इन्हीं शेयरों से पैसा लोगे आप, जिन शेयरों से आपको लॉस मिल रहा है, क्योंकि रुकने की क्षमता हमें अपने अंदर खुद ब खुद डेवलप करनी पड़ेगी, और कोई आपको रोक नहीं सकता जी आपके हाथ को, एक बार पकड़ लेगा नहीं बेचना, फिर मैं इधर घूम के आऊँगा आप बेच दोगे उसे, तो कोई भी आपके रोक नहीं सकता आपको। तो IRFC को लोग जब कहते हैं कि यहाँ तक टारगेट है, फिर लोग कहते हैं अब कितना गिरेगा, इस तरीके की जो आपको वीडियो बना देते हैं, पहले चढ़ा देते हैं फिर गिरा देते हैं, तो उलझना क्यों है, हमें तो सत्यता की ओर काम करना है। सरकार कह रही है हम काम करेंगे, हमें विश्वास करना है, कितने दिनों में होना रूपरेखा बना दी हमें विश्वास करना है, सारी चीज़ तो दिख रही है हमें,
एनडीटीवी में मैंने लोगों को कितना जगाया है, आर कॉम में कितना लोगों को जगाया, आर कैपिटल में कितने लोगों को जगाया, भाई नहीं ऐसा नहीं हो सकता इन चीज़ों में। लेकिन लोग नहीं समझते हैं, लोगों को लालच ने जो घेर लिया है। लेकिन जो मुझे देख रहा है, जो मेरे साथ जुड़ा है, वो होले होले काम करेगा, अपना पर्सनल काम भी करेगा, अपना शेयर मार्केट का काम भी करेगा और बिल्कुल भी नहीं उलझेगा। तो IRFC में सिर्फ आपको ये बताना था कि जो भी इनकी मंशा है सरकार की है, सरकार चाह रही है कि आधुनिकीकरण होगा, पटरियाँ बिछेगी, जिसमें लोग कह रहे हैं कि IRFC ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेगा। मैं मानता हूँ करेगा, क्योंकि पैसों की ज़रूरत और पैसा IRFC देता है। तो जब करेगा तो ये सालों बीत जाएंगे, उस उपलक्ष्य में इस शेयर को अगर आप होल्ड करना है तो तब प्रॉफिट देगा। ये नहीं कि ये न्यूज आई कल ही भाग जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। अब बात करेंगे टाटा स्टील, JSW और सेल की, क्योंकि एक ऐसी न्यूज निकल कर आ रही है जो PLI स्कीम से जुड़ती हुई नजर आ रही है, जिसके अंदर सरकार 42,500 करोड़ रुपए की PLI स्कीम स्टील सेक्टर में ला रही है, जिसके अंदर 67 जो है एंट्री आ गई है, भाई हमें भी PLI स्कीम चाहिए, इस तरह फॉर्म भरे जाते हैं, उसमें 67 आ गए हैं, जिसके अंदर सरकार ने 35 जो एंट्री उसको सिलेक्ट कर दिया है, यानी 35 कंपनियों को सिलेक्ट करा है। अब उनमें से जो सुनहरे अक्षरों में नाम है, जिसके अंदर JSW हो गया और टाटा स्टील हो गया, आपका सेल हो गया, बाकी आप बाद में बता दूंगा आपको, क्योंकि अभी बताऊंगा तो फुल लंबा हो जाएगा, बाकी ये भी ज्यादा नहीं देखा मैंने इतने ही देख लिए थे, तो हमें तो इंपॉर्टेंट यही चीज है। तो टाटा स्टील जिस तरीके से वर्क वंदे भारत ट्रेन में कर रहा है, जिस तरीके से पटरियों में स्टील जो अच्छे कोण गुणवत्ता का मिलेगा, तो टाटा स्टील हो गया, JSW हो गया, सेल हो गया, ये स्टील की जो एक अभिलाषा सरकार देख रही है कि भाई हमारा जो भी काम चलेगा स्टील से चलने वाला है। और जब स्टील से काम चलने वाला है सरकार का यानी कि देश का, तो उसके लिए PLI स्कीम भी चाहिए, ताकि किसी को प्रेरित किया जाए। अब PLI स्कीम क्यों लाई जाती है कि भाई हमारे पास पैसा कुछ है, लेकिन सरकार कहती है मोहलत दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं आपको, अब काम करो, निकल के आओ ना, निकल के बाहर आओ, काम करो इसके लिए। तो इसके लिए सरकार PLI स्कीम ला रही है, और जितने भी 35 लोगों को सिलेक्ट किया यानी 35 कंपनियों को सिलेक्ट किया, वो 46,000 करोड़ रुपये इसके अंदर इन्वेस्ट करने की उनकी रूपरेखा है, और 70,000 इससे जो है आपको रोजगार निकलते हुए दिखाई देंगे, 70,000। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें PLI स्कीम के तहत जुड़ती जा रही है। लेकिन इसकी भी अभिलाषा आप देख लो, आप 2030 की है। अब लोग इसे कहेंगे सर ये तो कल न्यूज आई थी, बोल ये मजबूत करने के लिए आ रही है न्यूज, सर 2030 अभी नहीं है, 7 साल बाद है। जो 7 साल की बात अभी सोच कर रखेगा और वही कामयाब होगा, जो कल की बात सोच कर आज रखेगा वो कभी कामयाब नहीं होगा। ये शेयर मार्केट है सर, अगर सब कुछ अच्छा बताकर अच्छा ही दिखा दिया जाए तो अच्छा, तो फिर सबको देख रहा है, फिर सभी पैसा कमा लेंगे। तो PLI स्कीम का हुआ है फायदा, जिसकी वजह से टाटा स्टील, JSW और सेल मजबूत, और जिस तरीके से IRFC फाइनेंस करेगा, क्योंकि रेलवे में जो भी प्रोजेक्ट होंगे इससे निकल कर आएंगे, तो जब वो पैसा दिया जाएगा फिर प्रोजेक्ट आने में बनने में काम होगा, फिर वो पैसा वापस आएगा रिटर्न होने में। देखो सर, एक मेरे पास बहुत सारे 4-5 लाख रुपए है, मेरे दोस्त ने कहा मुझे वो पैसा चाहिए और मैं इसका तुझे ब्याज दूंगा, तो महीने में देगा ना ब्याज। मैंने उसे पैसा दिया, अब 4 लाख का मेरे पे 1 लाख बचा है, मैं सोच रहा हूँ मेरे 3 लाख वापस कैसे आएंगे। जब वो 3 लाख मुझे देगा या उसका ब्याज देगा तब मेरी इनकम बढ़ेगी, लेकिन मूलधन तो मेरा निकल गया ना, मेरा चला गया ना काम के लिए, जब देगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो वो प्रॉफिट को समझिए, उस हिसाब से मार्केट में काम कीजिए, नहीं तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो सर, ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर आई जरूर सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।